हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन। ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो खास तौर से बिगिनर के लिए है, जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर को प्रॉपर वे से ऑन एंड ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि ऑन और ऑफ, क्योंकि ऑन करना तो सबको आ जाता है, लेकिन ऑफ करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। कि कितना क्या करते हैं कि डायरेक्टली बिजली का स्विच काट देते हैं। तो बिजली का स्विच नहीं काटना है, क्योंकि डायरेक्टली बिजली का स्विच काटते हैं तो सिस्टम खराब होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपका सिस्टम खराब हो जाते हैं तो उसको फॉर्मेटिंग करना होता है, मतलब कि विंडोज़ करप्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को डायरेक्ट कभी भी सिस्टम को बंद करने के लिए बिजली का स्विच डायरेक्ट नहीं काटना चाहिए। तो आज हम लोग सीखते हैं कि अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से कैसे ऑन करते हैं और सिस्टम को कैसे बंद करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले सीखते हैं कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। हाउ टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू और बंद कैसे करें। सबसे पहला स्टेप कि आपके पास जो है ना प्रॉपर कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर फॉर मॉनिटर होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, माउस, कीबोर्ड, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो तो होना ही चाहिए। स्पीकर हो ना हो, प्रिंटर स्कैनर हो ना हो, लेकिन कंप्यूटर को सीखने के लिए, चलाने के लिए इतना चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस मॉनिटर में, इस कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आपके पास बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, और बिजली बोर्ड से मॉनिटर को जोड़ देंगे और सीपीयू को जोड़ देंगे। अब सिस्टम ऑन कैसे होगा? तो सिस्टम को ऑन करने के लिए इस स्विच को आपको ऑन करना है। जी हाँ, इस स्विच को ऑन करते ही आपका सिस्टम ऑन नहीं हो जाएगा, बल्कि मॉनिटर में लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर ऑन कैसे होगा? तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम लोग सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं। ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू को भी ऑन करिएगा, तब जा कर के आपका कंप्यूटर प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीपीयू को भी ऑन करते हैं। तो सेकंड स्टेप हम लोग का सीपीयू ही है, क्योंकि इस सीपीयू का आप तो देखें पिछले स्टेप में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पावर बटन को ऑन करते ही, इस पावर बटन को ऑन करते ही आपका सिस्टम जो है प्रॉपरली ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके सिस्टम के बैकग्राउंड दिखाई देंगे, जो भी आप वॉल पर सेट किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है, जी हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में अलग अलग तरह के, मतलब हर एक लैपटॉप में अलग अलग तरह के पावर बटन दिए रहते हैं। किसी लैपटॉप में टॉप में दिए रहते हैं, मतलब टॉप लेफ्ट में दिए रहते हैं, किसी लैपटॉप में टॉप राइट में दिए रहते हैं। अगर आपके लैपटॉप में टॉप लेफ्ट में पावर बटन दिए गए हैं, यहाँ पर पावर बटन दिए गए हैं, तो इसको ऑन करते ही आपका लैपटॉप ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपके लैपटॉप में टॉप राइट में दिए गए हैं तो भी आप इस पावर बटन को ऑन करेंगे तो आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। तो पावर बटन कहीं भी हो, आपको ढूंढ करके उसको ऑन कर देना है, उस पर क्लिक कर देना है, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। जब हम लोग सिस्टम को ऑन कर लेते हैं, तो ऑन करने के बाद जब बंद करने की बारी आती है, तो हम लोग बंद कैसे करते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर, जिसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए जो पहला स्टेप है वो हम लोग जानने जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर को बंद करने का बहुत तरीका है, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं वो हर कोई यूज करते हैं, और वो तरीका पूरा पूरी आसान है। क्योंकि अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर को बंद करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपको कंप्यूटर को डायरेक्टली स्विच नहीं बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्विच बंद करते हैं तो आपको, हम इंट्रोडक्शन में बताए हुए थे कि सिस्टम खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। जी हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, स्टार्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करते ही इसके ऊपर में आपको दिखाई देगा पावर बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा शट डाउन। शट डाउन करते ही आपका सिस्टम बंद हो जाएंगे। तो हम लोग सिस्टम को शट डाउन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सिस्टम को शट डाउन कर देंगे तो अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है वो भी बंद हो जाएंगे। तो आपको हम पहला स्टेप सिखा दिए, अब दूसरा स्टेप चलिए डेस्कटॉप पर क्लिक किए। दूसरा स्टेप जो है ना सबसे आसान है, क्योंकि इससे आसान आपको कोई भी स्टेप नहीं मिलेगा। ये स्टेप है क्या, कीबोर्ड के द्वारा हम लोग सिस्टम को अब बंद करने जा रहे हैं।
तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 दबाएंगे। जी हाँ, कीबोर्ड में अल्टर बटन होते हैं और फंक्शन की के अंदर F4 फंक्शन की के अंदर F4 होते हैं। जी हाँ, तो अल्ट के साथ F4 दबाते ही आपके सामने शट डाउन करने का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर शट डाउन नहीं लिखा हुआ है तो इस ड्रॉप डाउन के लिस्ट पर क्लिक करके आप इसमें शट डाउन को सेलेक्ट कर लेंगे और जब भी आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम बंद होने लगेंगे और आपका सिस्टम बंद हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये था मेन स्टेप जो कि हम लोग अल्ट के साथ F4 करते ही इसको ऑन करेंगे और इसको ओके करते या फिर कीबोर्ड के द्वारा एंटर करते ही आपका सिस्टम बंद हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर वे से हम लोग सिस्टम को बंद कर दिए। तो इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सिस्टम जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इस स्टेप को अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका सिस्टम प्रॉपर वे से चलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते ही हैं क्या करना है। धन्यवाद।